नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी बाज़ार में सबका स्वागत है। आज नई चेकलिस्ट लेकर आया हूँ जो है HMV हेवी मोटर व्हीकल के बारे में। अगर हमको हेवी मोटर व्हीकल चेक करना है तो उसके लिए कौन कौन से चेक पॉइंट रहेंगे, तो आज के वीडियो में हम वो HMV का इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चेक पॉइंट है वेदर नंबर प्लेट इन फ्रंट एंड बैक साइड आर अवेलेबल। जो भी HMV है उसके आगे और पीछे में नंबर प्लेट है कि नहीं है वो हमको चेक करना है। सेकंड पॉइंट, वेदर डैमेज इन टायर क्रैक कट एंड टायर एयर प्रेशर चेक एंड ओके। हमको HMV का टायर चेक करना है कि टायर डैमेज फ्री, क्रैक फ्री एंड कट फ्री होना चाहिए, और टायर में जो एयर प्रेशर है उसको हमको चेक करना है कि वो ओके है कि नहीं है। थर्ड चेक पॉइंट है वेदर एयर लीक इन द एयर टैंक हैज़ बीन चेक। जो HMV के अंदर में एयर टैंक है उसका अंदर हमको चेक करना है कि उसमें से कहीं से भी एयर लीकेज ना हो। फोर्थ चेक पॉइंट है वेदर फ्रंट एंड रिवर्स हॉर्न इन वर्किंग कंडीशन। आगे का और पीछे जब HMV मूव करेंगे तो उसके लिए जो हॉर्न है, फ्रंट हॉर्न एंड रिवर्स हॉर्न, वो वर्किंग में है कि नहीं है, ये हमको चेक करना है। फिफ्थ चेक पॉइंट है वेदर ऑयल लीकेज फ्रॉम द डीजल टैंक हैज़ बीन चेक एंड ओके। कहीं से भी ऑयल वगैरह लीकेज है कि नहीं है ये हमको चेक करना है, और वो नहीं होना चाहिए। सिक्स चेक पॉइंट है वेदर फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल इन ड्राइवर केबिन। जितने भी HMV आते हैं उसके अंदर में एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, और वो भी फायर एक्सटिंग्विशर अपडेटेड होना चाहिए, ये हमको चेक करना है। सेवन चेक पॉइंट है वेदर हेड एंड टेल लैंप्स फॉर नाइट आर अवेलेबल एंड इन वर्किंग कंडीशन। जो आगे और पीछे की जो लाइट है, लैम्प है, हेड लाइट, टेल लाइट, वो हमको चेक करना है कि उस वो वर्किंग में है कि नहीं है, और वो भी हमेशा ओके होनी चाहिए। आठवां चेक पॉइंट है वेदर ब्रेक, क्लच एंड एक्सेलेटर आर इन वर्किंग कंडीशन। जितनी भी ब्रेक है, क्लच है और एक्सेलेटर है उसको हमको चेक करना है कि उनकी वर्किंग कंडीशन कैसी है। नाइन्थ चेक पॉइंट है वेदर ट्रक इज़ ओवरलोडेड। कभी भी ट्रक आता है या तो जब लोड होके जाता है तो उस टाइम पे कभी भी ओवरलोड नहीं करना है, तो ये हमको चेक करना है कि ट्रक HMV ओवरलोड ना हो। दसवां चेक पॉइंट है वेदर रियर व्यू मिरर अवेलेबल। जो रियर व्यू मिरर है कि नहीं ये हमको चेक करना है, और वेदर विंडशील्ड आर प्रोवाइडेड एंड ओके। जो HMV के ऊपर में जो विंडशील्ड है आगे में कांच, उसकी कंडीशन हमको देखने की वो कैसा है। और 12th चेक पॉइंट है वेदर हेल्पर इज़ अवेलेबल, मतलब बैंक्समैन। कभी भी HMV को हमको मूव करना है आगे में या पीछे में तो एक हेल्पर होना चाहिए, ताकि ड्राइवर को वो गाइड कर सके, उसको प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन दे सके, तो उसके लिए एक हेल्पर होना चाहिए। तो वो हमको देखना है कि हेल्पर अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये 12th चेक पॉइंट जो हमको चेक करना है। इसके अलावा जो 13 है जो लीगली हमको मैंडेटरी है वो HMV के लिए, तो उसमें से 13A सब पॉइंट है वेदर व्हीकल है वैलिड पेपर, 13B है वेदर ऑपरेटर हैव लाइसेंस, 13C है PUC सर्टिफिकेट अवेलेबल, एंड 13D है रोड टैक्स पेड डॉक्यूमेंट अवेलेबल। मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए, HMV का लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद PUC सर्टिफिकेट, रोड टैक्स का डॉक्यूमेंट, इंश्योरेंस का पेपर, तो ये सब जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है वो सब सारे चीज़ें होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें होती है हमको कभी भी HMV चेक करनी है, तो इन चेक पॉइंट से हम लोग HMV को चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और आपको पता चला होगा कि HMV को चेक करने के लिए हमको कौन कौन से चेक पॉइंट हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सेफ्टी बाज़ार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, HMV इंस्पेक्शन चेकलिस्ट को, ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय सुरक्षा।